नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना है ना तो कोई कठिन काम नहीं है। म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है, फिर भी लोग इससे पैसा नहीं कमा पाते हैं। अब देखिए बहुत ही छोटे छोटे से दो तीन सिंपल से कारण है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। और देखिए अगर आप सिर्फ 10 लाख लगाकर छोड़ देते हो ना तो आपके कुछ सालों में बहुत ज्यादा पैसे बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत आसान है लेकिन कर कोई नहीं पाता है। अब देखिए कर क्यों नहीं पाता है ये, इसके ऊपर आज अपन बात करेंगे और बहुत सारे फंड के बारे में भी जानेंगे। अब देखिए म्यूचुअल फंड में अपन ने पैसा लगा दिया, बस छोड़ दीजिए उसको लंबे समय के लिए, आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बन जाएगा। ये आपको भी पता है और ये मेरे को पता है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन देखिए ज्यादातर लोग क्या सोच के आते हैं, अब देखिए लोगों का माइंडसेट क्या रहता है यहाँ पर कि हमने पैसा डाला, 1 साल हुए, 2 साल हुए, हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए, फिर डबल हो जाना चाहिए, फिर डबल हो जाना चाहिए, ऐसी सोच रखे वो आते हैं। और ज्यादातर इन्वेस्टर मैंने देखा 90% इन्वेस्टर इसी सोच में आते हैं कि हमारा पैसा थोड़ा 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 पैसा बढ़ते जाएगा, ऐसा ऐसा डबल होते जाएगा और कुछ समय में हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई लॉटरी में नहीं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा। कहने का मतलब है आपका पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहा है एक बिजनेस में। अब देखिए अगर आप खुद एक कोई बिजनेस करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो वो कंपनी रातों रात दोगुनी चौगुनी तरक्की नहीं कर लेती है। उसको करने में टाइम लगता है, समय लगता है, पेशेंस लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसके बाद वो कंपनी खड़ी होती है और धीरे 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 बड़ी बनती है। देखिए आपने पैसा डाला, पैसा कंपनी में गया है, तो कंपनी धीरे 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 बढ़ेगी, इसी के कारण उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो आप ये कैसे सोच लेते हो कि हमारा पैसा दिन दोगुना रात चौगुना हो जाएगा? स्टॉक मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पैसा डबल पैसा डबल पैसा डबल। अब देखिए सबसे पहले ना माइंडसेट आप बदल के आइए, कहने का मतलब आप ये सोच के आइए कि लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखिए धीरे 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 कंपनी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में कंपनी बड़ी हो जाती है जिसके कारण कि हमारा पैसा भी बढ़ेगा। ये सोच रखे आपको आनी है। और सबसे बड़ी बात ना आपको पेशेंस रखना है। देखिए पेशेंस जैसी क्या चीज होती है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 ही लाख रुपए है, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है कि आप जमीन खरीद लो और दूसरा है कि म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब देखिए मान के चलिए कि आप जमीन खरीद लेते हो, आज आपने जमीन खरीदी तो आप कल जाकर परसों जाकर देखने नहीं वाले हो कि मेरी जमीन 1 लाख की 1 लाख 10 लाख की 10 लाख 11,000 रुपए हो गई या 11 लाख हो गई या 12 लाख हो गई। आप रोज रोज वहां देखने नहीं जाएंगे, 1 साल बाद देखने नहीं जाएंगे, 2 साल बाद देखने नहीं जाएंगे। आपको पता है लंबे समय में इसका रेट बढ़ते जाएगा। अब आप उसको हर बार जाकर चेक नहीं करोगे कि आखिरकार भैया पैसा बढ़ रहा है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं करोगे। लेकिन देखिए अगर वही पैसा अगर आप 10 लाख म्यूचुअल फंड में डाल देते ना तो आप रोज जाकर देखते हो वहां पर कि आज मेरे पैसे की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ा घटा बढ़ा घटा। कहने का मतलब है इस चीज में लोग पेशेंस नहीं रखते, वो सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा पैसा जल्दी 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 डबल होगा। कहने का मतलब मेरा है आपने जब जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है तो जमीन में इन्वेस्टमेंट करते समय आपने ये क्यों नहीं सोचा? कहने का मतलब मेरा ये है कि जमीन में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ये भी तो सोचना था कि आप वहां पर ये देखने नहीं वाले हो, तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आप ये क्यों देख रहे हो? ज्यादातर लोग इसी चीज में गलती करते हैं और कई बार आपका पैसा डाउन मार्केट में माइनस में दिखता है और पेशेंस न रखने के कारण अपना पैसा लोग निकालकर बेच देते हैं। अब देखिए आज से ठीक 17 साल पहले की बात करते हैं। अब देखिए 17 साल पहले इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि 15% के रेट से अगर आपका पैसा बढ़ता है तो 17 सालों में अगर 10 लाख आपने लगाकर छोड़ा है तो 1 करोड़ रुपए बन जाता है बहुत ही आराम से, सिर्फ 15% के रेट के हिसाब से। और देखिए निफ्टी 50 लार्ज कैप मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब जब आपके पास टाइम होराइजन लंबा है तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में भी जा सकते हो और यही पे आपको जाना चाहिए जब आपके पास लॉन्ग टर्म में ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म हो आपके पास। लेकिन आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर रखे आप ऐसा बना सकते हो। अब देखिए मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आज से ठीक 2006 में जब इन्वेस्ट किया होगा किसी ने आज से 17 साल पहले जो फंड थे जिसमें अगर आपने 10 लाख लगाकर छोड़े होते तो आज आपका पैसा 1 करोड़ या 1 करोड़ 15 लाख के आसपास हो जाता, इसी बीच में होगा। तो ये सारे फंड के जो मैं बता रहा हूँ इसने लगातार 17 सालों से 15 से 16% के बीच में रिटर्न दिया है। तो देखिए कौन से फंड आज के इस वीडियो में अपन जाते हैं और सारी चीजें देखते हैं। देखिए सारी चीजें मैंने लिखी रखी है। पहला है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। देखिए निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड नाम का एक फंड है जिसका AUM 18,343 करोड़ है, मतलब एक बहुत बड़ा है। 2006 में ये शुरू हुए थे, सारे 2006 में शुरू हुए थे। आपने 10 लाख लगाकर छोड़ा, इसमें 1 करोड़ से ऊपर बन गया, मतलब 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख में। दूसरा है टाटा का मिड कैप फंड। अब देखिए इसका AUM है 2450 करोड़ के आसपास का। और तीसरा है कोटक स्मॉल कैप फंड, इसका AUM है 12,286 करोड़ का। अब देखिए इसने भी 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट बनाया है।
चौथा है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। अब देखिए ज्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही ये अच्छे पैसे बनाते हैं। एयूएम की बात करें तो 2582 करोड़ इसका एयूएम है। अब देखिए पांचवा आता है यूटीआई मिड कैप फंड। अब इसका एयूएम है 8881 करोड़ रुपए। कहने का मतलब मेरा ये है बहुत सारे फंड है ऐसे जिसने आपके पैसे को अगले पिछले 17 सालों में 1 करोड़ रुपए बना दिया है। अब देखिए ये यहाँ से पैसा बहुत आसानी से बन गया, आपने लगाकर छोड़ दिया, आपको कोई काम नहीं करना पड़ा, आपका पैसा बढ़ गया। बस इसमें कारण ये है कि आपने लगा के छोड़ दिया है, अभी तक आपने उसको देखा नहीं, मतलब उसको निकालने की कोशिश नहीं की। कई बार बीच में कई बार ये माइनस में गया होगा, बहुत हाई में गया होगा, फिर माइनस में गया होगा, फिर हाई में गया, ऐसी उतार चढ़ाव देखने के बाद इतना पैसा दिख रहा है।